प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और खास बात यह है कि वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमेरिका दौरा रहा उस पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बात है जी साजिद तार साहब, बहुत शुक्रिया सर यहाँ जा पाए। थैंक यू सो मच सर। एक तरफ तो मोदी जी जो है वो अमेरिका गए, वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। बाकी मोदी जी पे बात करेंगे, और साथ साथ जो 11 एम्बेसडर्स बेचारे स्वात उन्हें न जाने क्यों भेजा गया था, वहां से बच बचा कर आ गए, तो अब कहते जी पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम आ जाए और लोग आ जाए, कैसे आएंगे? देखें, मैं हालांकि आरजू मैं इस चीज पे इतना खुश नहीं होता कंपैरिजन करके, क्योंकि अब कंपैरिजन के हालात रहे नहीं हैं, लेकिन जब दुनिया का मंजरनामा देखा जाता है तो हम जब सदियों से इकट्ठे रहे हैं उस रीजन के अंदर, तो हम किस तरीके से 3-4 मुल्कों का नाम लिए बगैर गुजारा नहीं है। वो कंट्रीज कौन से हैं? वो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बल्कि बर्मा नेपाल की भी बात की जाए तो ये पूरा एक एक रीजन था जहाँ के लोगों की हमारी सिमिलैरिटीज हैं, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो सोचों की हो, चाहे खुराक की हो, चाहे जिस तरह कल्चर की हो। तो वो इस पे बात करना, जब भी इस रीजन में किसी एक कंट्री की बात करें सब साथ दूसरा उसका सोचना पड़ता है कि कहाँ हम जा रहे हैं। कल मैं अब जो बताना चाहूंगा कि कल मोदी साहब के मैं इवेंट के तो घंटे घंटे की खबर रखता हूँ, क्योंकि मैं मोदी साहब जिस इलाके को विजिट कर रहे हैं, डेलवेयर मुझसे यहाँ से तकरीबन 60-70 मील के फासले पे था, अब वो न्यूयॉर्क में है, मैं वहां जा तो नहीं पाया, जाने की मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मैंने कल किसी को कहा है कि वहां पे टी शर्टें दी जा रही हैं जिन पे लिखा हुआ है मोदी एंड अस। मैंने पिछली भी शर्ट उनकी संभाली भी है, 2016 की टी शर्ट थी उनके दौरे की, जो पहला दौरा था उनका न्यूयॉर्क का, तो उसकी संभाली। कल मुझसे किसी ने कहा यार तुम क्या करोगे यार शर्टें, तुमने यार मैं सुवेनियर संभाल के रखता हूँ, तो वो मेरे लिए एक देखें तारीख ही है। ये मोदी साहब का आखिरी टर्म चल रही है, मोदी साहब इज एज प्रूवन हिमसेल्फ एज अ लेजेंड, और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें, ये उनका वो सारा उसमें उनका विजन है। अब जो मोदी साहब के विजिट के बारे में जो बात करना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक तो 7.5 मिलियन की उन्होंने जो कैंसर की किट्स हैं उसके बारे में ऐलान किया है, फिर उसके बाद उनका जो इस दौरा है उसको कहा गया है ड्रोन्स डिप्लोमेसी और डायस्पोरा, इसको उन्होंने प्रमोट करने के 3 चीजों के इस पे ऊपर जोर दिया। मोदी साहब ने जो उसके बाद ड्रोन्स 31 ड्रोन्स जो है वो भारत लेगा, फिर उसके बाद जो इससे बड़ी बात है कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाईटेक की बातें थी टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की जो सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, उसपे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी, इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे, और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी। उसके बाद जब बाइडन साहब से मिले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाइडन साहब ने कुछ ब्लंडर भी किए, उन्होंने ब्लंडर जो किए क्योंकि बाबा जी को तो इसीलिए तो व्हाइट हाउस में नहीं कर सके, क्योंकि बाबा जी पता नहीं वहां पे डायपर पहन के फिर रहे थे और उन्हें कोई पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं जो देख रहा था
जिस तरह एक रोबोट नहीं बैटरी के ऊपर चल रहा होता, उसकी आंखें कहाँ होती, चेहरा कहाँ होता है, उसको किस तरह हाथ लेके फिर रहे थे अपने सामने सामने, तो किसी को पता नहीं था किससे मिला रहे। तो बाबा जी ने पहले तो ब्लंडर किया जब, और सारा लोगों ने देखा। और मेरा इसके बाद में एक सवाल भी पूछना चाहूंगा अपने अमेरिकन भाइयों से भी कि एक तो उन्होंने कहा आते ही उन्होंने स्टेज पे आए कहते हेलो हेलो हेलो, फिर उसके बाद आसमान की तरफ देखे कहते व्हाट इज ऑन द स्काई, पता नहीं वहां किस कबूतर देख रहे थे क्या देख रहे थे, तो फिर बोल के कहते हु इज नेक्स्ट। वो यार खुदा का नाम लो, क्वाड में सिर्फ चार ही तो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, मोदी जी है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है, वो कौन से 25 लोग बैठे थे तो बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट। फिर मोदी साहब आए, मोदी साहब कहते हैं इज अ पीएम ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक अस, पता नहीं सार्केस्टिकली मजाक में कह रहा था मैं, तू कॉमेडियन थोड़ी है भैया, तू तो दुनिया के सुपर पावर का यार, तू किस तरह चला रहा है इसको, किस तरह क्या कर रहे हो यार। यही पर तो मेरा सवाल है कि आज हमारा हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई, एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर है आज, किसके पास है वो, यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। उधर वो मैं साथ मेरे जेन में आ गई बात, वो हमारी कैमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी ने स्टेज पे चढ़ के कहा वी विल टर्न द पेज वी विल गेट रेड ऑफ व्हाट एवर हैपनिंग। भाई अभी तो तुम्हारा, अभी तो तुम व्हाइट हाउस में हो, कौन सा पेज चेंज करना है तुम्हें, अभी पता ही नहीं लोगों को क्या। अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात बहुत पतले हैं, अमेरिका के हालात बहुत पतले। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, तो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बड़ा बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। फिर मोदी जी ने उसके बारे में वहां उन्होंने बड़ा जोर दिया कि अपना इमेज चेंज करना है, हम किस तरह फ्यूचर में एंटर होंगे, और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लेकिन खैर उन्होंने बातें की बहुत के ज्ञान और दान सबकी बातें की बड़ा मिला के। फिर उसके बाद जो मैं एक चीज के सामने जाना चाहूंगा बात के, कल कहते हैं बाइडन साहब उनको एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स थे जो भारत से चोरी करके यहाँ लाए गए थे वो वापस देने का जिक्र किया। और वहां पे तो उसके बाद एक खबरें यहाँ भी चली जब वो इसकी बात हुई तो अमेरिकन मीडिया, वो एक भारतीय है जिसने 2500 के करीब चीजें वहां से लूट लाट के तमिलनाडु से यहाँ लाया था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो तमिलनाडु में जेल में घुभाशियम उसका किस तरह का नाम है वहां पे जेल में है वो बंदा, लेकिन वो तो हो रहा है। साथ ही जब आर्टिफैक्ट्स की बात आई तो मेरे जेहन में टेक्सला के मूर्तियों की वहां पे से जो मैंने देखा, कई लोगों को मैंने देखा जब मैं वहां रहता था इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद से टेक्सला बिल्कुल साथ है, लोगों ने किस तरीके से वहां से खुदाई कर करके उन मूर्तियों को जापानियों के हाथ भेजा, एक बड़ा रवाज था लोग, वो हमारे आर्टिफैक्ट्स कौन लेकर आएगा वापस। मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूं जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये क्या करेगा यार, किससे मिलेगा क्या करेगा, मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहां पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूं तो भाई भैया यहां लेने क्या आ रहे, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आगे, भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोल्यूटर हो तो भाई हम वहां हमारे सैलाब आ रहा है पैसे दे दो, वो हम क्या करें, हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा क्या लेगा मेरी समझ से बाहर। अब आप रिसेंटली बात कर रहे थे 12 अम्बेसडर आप लेके जा रहे थे, स्वाद 12 अम्बेसडर, और किस ट्रिप पे जा रहे थे, स्वाद पर टूरिज्म को प्रमोट करना है, 12 लोग जा रहे थे जिसमें ईरानी और रूस। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं नहीं मेरी बात तो मुझे सुन ले, मेरा तो बहुत ज्यादा दुख है, इनको लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में ऐसे लाओ, यहाँ लोग आके देखें, वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ कहा कहते जी माइन फट गई है हमारा, भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार, अगर मैं एक मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी तो तुम्हें पता नहीं था 12 अम्बेसडर जा रहे हैं, कौन इसकी कौन इसका जिम्मेदार, किसी को निकाला है नौकरी से, कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे, कोई आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा, मेरे जैसा बंदा मैं तो पैदा वहां हूं, मैं जाने से दो दफा घबराता हूं, मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं कहा मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं कहां मेरा कि मेरी कहां पकड़ के बंद कर, कहते पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार है, SHO क्या होता है, पुलिस का थानेदार एक थाने का, और अब अदालतों की हालत देख लिया, कहते इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले,
कल आपका एक जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया, वो रिजाइन देने को फिर रहे हैं। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जज टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सराज का, वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में, उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सब के अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? मेरे तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो लम्हा फिक्रिया है, मैं क्या करूं। एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, मोदी साहब ने आज कहां बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे 5G में, हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी सन वाली साइड उधर भी चलेंगे, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं, यहाँ पे सारी कंपनियों की अमेरिका को आज चला ही भारती रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर सारी के? मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ ABC सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है, मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ, बताओ तो सही कहो हमने रेलवे ठीक। सर एक चीज सर, सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव, जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ आरजू देखें उसकी खबर ही नहीं बना, हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। मैं आप उसकी बात कर रहे हैं, आपके अगले दिन जो CSS जो उनका डिपार्टमेंट है, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है, कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, इंसान उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। मैं आप क्या मैं जो खुद इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूं मैं, तो फिर मैं किस तरह ये कहूं कि क्या? इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से, और यार मुसलमान नहीं इंसान तो है ना यार, लोग तो जानवरों से भी ऐसे नहीं करते। मैंने आपको बताया मैं यहाँ जानवरों के साथ भी अपनी जिंदगी में मैंने कभी उनको भी तंग करने की कोशिश नहीं की, जानवर कैसे? मेरे घर में मैंने आपको बताया था मेरी बच्चियां जो है वो अब तो चली गई शादियां करके, वो 2 बिल्लियां साथ लेकर आ गई थी, छोड़ के चली गई, मैं तो कभी सो रही हूँ उसको बिस्तर बेड से नहीं उठाता, बिल्ली को भाई कुर्सी में बैठी हो फिर कुर्सी से नहीं उठा, मैं तो घर सर उठती भी नहीं है बिल्ली, सर बिल्ली उठती भी नहीं, मैंने बहुत बिल्लियां रखी है, आप कहेंगे भी तो नहीं उठती। बात कर रहे घर में चूहे आ रहे, मैं चूहा नहीं मारता भाई, मैं कहता हूँ यार ये भी तो जानता है जानदार है, इसको बाहर निकाल दो, मारो तो नहीं, मैं तो मक्खी मारने से डरता हूँ, उसमें भी जान है। मैं तो जैनिज्म बड़ा डिटेल से पढ़ा, मेरे बहुत जैनी दोस्त है इंदौर में, मेरे जैनी बहुत दोस्त है, मैं बहुत प्यारे मेरे भाई है, मैंने जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा, बुद्धिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा, नहीं किसी पत्ते को भी ना काटो यार, जान है उसके अंदर। फिर उसके बाद जुलम करना, कहना कि इस्लाम के बेस, ये मुसलमान नहीं है तो उसके साथ ये सलूक करना, ये नहीं गलत बात, इस्लाम भी ये नहीं कहता, पता नहीं फिर ये क्या कर लिया, इस्लाम भी ऐसे नहीं कहता। मैं लोगों की मिन्नतें तरले करता हूं, जो मैंने इस्लाम पढ़ा वो ऐसा नहीं है, जिस मजहब का नाम सलामती है, सारा दिन मैं सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि यार मेरी तरफ से तुम्हें सलामती की दुआ है, तो उसकी कमर में छुरी किस तरह मारोगे यार, फिर या तो आप अच्छे मुसलमान नहीं, जब सलामती की दुआ दे रहे हो पूरी दुनिया को तो खुद दुनिया का भला मांगो ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे दोनों ने ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी खूब तारीफ की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।